नमस्कार। आज हम शिक्षक दिवस मना रहे हैं। भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। वैसे दुनिया में शिक्षक दिवस और कई देशों में मनाया जाता है। कम से कम 80-90 देश हैं जहाँ पे शिक्षक दिवस मनाया जाता है, लेकिन उनकी डेट्स जो हैं अलग अलग होती हैं। कुछ देशों में एक ही दिन होती, ज़्यादातर जो डेट्स कई देश एक साथ मनाते हैं शिक्षक दिवस, वो 5 अक्टूबर है। And in India, we celebrate on September 5th. In India, the Teachers' Day started being celebrated in 1962, when the President of India, the second President of India, Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, became President, and his birthday came. Then he suggested that his birthday should be celebrated as a Teachers' Day. तो जब भी कोई चीज़ हम मनाते हैं तो उसके बारे में जानना चाहिए कि हम क्या मना रहे हैं, क्यों मना रहे हैं, उसका अर्थ क्या होता है, हाउ वी कैन लर्न समथिंग आउट ऑफ इट। एंड इन दिस केस टीचर्स डे इज़ ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट, पर्टिकुलरली फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स हु रियली बिल्ड द सोसाइटी। दे आर द सोसाइटी, दे आर द वन हु मेक द सोसाइटी। सो ये बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे यहाँ कुरुओं विद्यालय भी शिक्षक दिवस मनाता रहता है। और इस बार मुझे ये अवसर मिला है कि हम आपके साथ कुछ अपनी बातें साझा करें। तो हमको ये लगता है कि ये जानना ज़रूरी है कि राधा कृष्णन कौन थे, क्योंकि उनका ही जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता, उसके पहले किसी ने क्यों नहीं मनाया, और उन्होंने अपना जन्मदिन जो है वो शिक्षक के रूप में कैसे ये सोचा कि हमको मनाना चाहिए, क्योंकि उनके पीछे बहुत उन्होंने जो उनका जीवन है उसकी, उनकी जो जीवन की पद्धति है, वो सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक गरीब परिवार के व्यक्ति थे। वह ये पहली बात तो जानने की है कि वो पढ़ने जो गए थे वो क्रिश्चियन स्कूल में गए थे, और क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ने गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे लोगों को भारत के जो हमारे हिंदू संस्कृति है, सभ्यता है, और ख़ास करके वेदांत पे ये कहा जाता था कि वो इनके यहाँ कोई एथिक्स नहीं है, इनके यहाँ कोई मर्यादाएं थी कि नहीं है, जो कि बड़ा उनको ऐसा बुरा लगा। तो वो उस बात को लेकर बहुत उनके अंदर चिंता पैदा हुई, और चिंता के कारण उन्होंने एक तरीके से उसका काउंटर, उसके विपक्ष में लिखना शुरू किया। और वो जब एमए कर रहे थे, बहुत ही मेधावी छात्र थे, बहुत 18 साल की उम्र में उन्होंने एमए किया हुआ था, और एमए उन्होंने फिलासफी में किया। और क्यों फिलासफी में किया, वैसे तो बहुत ही मेधावी थे, बहुत टैलेंटेड थे, बहुत ब्राइटेड थे, ब्राइट स्टूडेंट थे, लेकिन वो इसलिए कि उनके पास किताबें नहीं थी, उनके कोई चचेरे भाई फिलासफी में किए थे तो किताबें उनको मिल गई, तो उन्होंने सोचा इसी किताबों से काम चला लेते हैं, इसलिए उन्होंने फिलासफी में पढ़ना शुरू किया। और बाद में ऐसा लगा कि फिलासफी में उनका बहुत ही ज़्यादा योगदान हुआ। एंड ही रोट अ बुक एक्चुअली व्हेन ही वाज डूइंग हिज एम ए, एंड हिज बुक वाज रिटन इन रिस्पांस टू पर्टिकुलरली क्रिश्चियंस क्रिटिसाइजिंग इंडिया एंड हिंदू कल्चर, पर्टिकुलरली वेदांत, एंड ही रियली काउंटर्ड इट ऑल। एंड ही थॉट एक्चुअली हिज प्रोफेसर डॉक्टर हॉग विल बी वेरी अपसेट, बट एक्चुअली डॉक्टर हॉग वॉज वेरी अप्रिसिएटिव एंड ही कॉम्प्लीमेंटेड हिम। उनको उन्होंने बड़ी बधाइयाँ दी कि आपने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। और बहुत जल्दी ही उनको एक डिपार्टमेंट ऑफ फिलासफी में मौका मिला काम करने का, जब वो 21 साल की उम्र के थे। एंड व्हेन ही वाज 30 ईयर ओल्ड ही ऑलरेडी बिकेम प्रोफेसर, ही वाज अपॉइंटेड एज अ प्रोफेसर, एंड देन ही वर्क वेरी हार्ड बिकॉज ही बिकेम प्रोफेसर ऑफ फिलासफी, एंड ही वर्क वेरी वेरी हार्ड टू एक्सप्लेन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड what the Hindu culture is, what Vedanta is, what is the philosophy of India, and how people should have a proper understanding. He wrote many books, and he wrote many articles, and he became very successful professor and academician. He became vice chancellor of Andhra University, he became vice chancellor of Banaras Hindu University, he was invited in Harvard University, he was invited in Oxford University, actually he was invited in Oxford University to give lectures. They were very impressed. So you can just imagine that he was all over in teaching. And you might be wondering, how come then he became the vice president or the president? He was the first vice president of India. When India became independent, he became the first vice president. First president was Dr. Rajendra Prasad.
and he was the vice president, and then he became second president of India. So how come he did all that? Because he was so well known, and that time everybody did not have to do politics to become some official like president or particularly a president. So he was appointed president because he was very, very qualified. He was actually nominated for Nobel Prize, and many people really appreciated him. So that is why he was a teacher by heart. He was a student, and a student is always impressed by anything that a teacher can tell. So he was very, he himself was a teacher. He, as a student, he appreciated teachers. So he wanted his birthday to become Teacher's Day. And I hope that when we learn about certain events like Teacher's Day or 15th of August, as Independence Day and other things, we should know his stories behind. And Dr. Radhakrishnan was a very unique person, and he was able to elaborate a lot of things about India, particularly something that will be useful to students. One story I would like to tell about him, and that story was when he was visiting United States in the month of June, and then he, when he arrived, it was raining in the United States. The president of the United States was John F. Kennedy, and he said, "Mr. President, I'm very sorry about the bad weather because it was raining badly." And Dr. Radhakrishnan said, "Mr. President, hum ap cheezon ko to badal nahi sakte, jo natural prakritik cheeze hain unko to hum badal nahi sakte, lekin apna drishtikon badal sakte hain. Hum us cheezon ko kaise dekhe usko badal sakte hain. Isse humko pareshaniyan khatam ho jayengi. To hum zindagi mein hamari bahut sari pareshaniyan hoti hain aur hum unse ghabraye nahi, balki apne we must change our attitude towards them so that we can have a better solution. And I hope the students can learn that. And teachers also should learn that, because teachers are very, very important. Dr. Radhakrishnan is a very good example of a teacher. And we should all try to aspire to become something like that. And I hope the student and teacher in all over India and the Kuruvam Vidyalaya will celebrate in that spirit. Jai Hind.